हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ ऐसा नुस्खा दे रहे हैं, ठीक है। आप उसका नाम क्या है? कोइकल फ्रेज। इसकी हिंदी होती है बोल चाल के वोकैब्स। क्या होता है? बोल चाल के वोकैब्स कंप्लीट। अब देखेंगे नंबर वन में है। आपकी नंबर वन में क्या है? रिक्वेस्ट। क्या है? रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना कंप्लीट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की हिंदी होती है निवेदन। क्या होता है? निवेदन कंप्लीट। इसको आप ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले जो चीज हम बताएंगे उसको एकदम कंप्लीट सुनेंगे, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप याद नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। अभी आप लोग कॉपी है कलम निकालिए और इसको तुरंत लिखिए, तुरंत या स्क्रीनशॉट करिए, है ना। जो हम बताते जाते हैं इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए और उसको बार बार देखिए और याद कीजिए कंप्लीट। आप बिल्कुल आसानी से इसके माध्यम से नहीं बोल सकते हैं, कोई ग्रामर की इसमें झंझट नहीं है। सिर्फ इसको आप याद करते जाइए और इसको आप यूज करते रहिए, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे में हम बताने जा रहे हैं, नंबर वन में आपका है प्लीज वेट ए बिट, कृपया थोड़ा इंतजार कर लीजिए, है ना। कृपया थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई आए, ठीक है, जैसे मैं कोई आया, आपके पापा के दोस्त, ठीक है, आपके पापा के दोस्त है, आपसे पूछे कि आपके पापा हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं, पापा तो नहीं है, बस दो चार पांच मिनट में आएंगे ही या आने वाले ही है कंप्लीट। तो उनको क्या बोल सकते हैं? प्लीज वेट ए बिट, कृपया थोड़ा इंतजार कर लीजिए, है ना। वो आ ही रहे होंगे या आने वाले हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, आप उनको ऐसे सलाह देंगे कंप्लीट। इसके माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसमें कोई ग्रामर की और कोई स्ट्रक्चर की इसमें झंझट नहीं लेना, ठीक है। बस इसको फोकस कीजिए, जो हम जैसे बताते हैं, जो ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक को आप फॉलो करिए, आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए नंबर टू में क्या है? प्लीज लेट मी रिलैक्स। क्या है? प्लीज लेट मी रिलैक्स, कृपया करके थोड़ा आराम करने दो, कृपया करके थोड़ा आराम करने दो कंप्लीट। जैसे मान लीजिए कि एक रूम में हम लोग हैं, एक रूम में है, उसमें हम लोग गेम खेल रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि एक फैमिली रूम है, उसमें भाई बहन है, हाँ, तो उसमें क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं कंप्लीट। उधर से मम्मी है या पापा है, ठीक है, तो बोले क्या आपसे? प्लीज लेट मी रिलैक्स, कृपया करके थोड़ा आराम करने दो। क्योंकि मान लीजिए कि उसमें गाना सुन रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार का हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आराम नहीं कर पाएंगे, वो तो सो नहीं पाएंगे, है ना। थोड़ा सा हम लोग अगर खेलेंगे थोड़ा सा हल्ला होगा, शोरगुल होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लीज लेट मी रिलैक्स, कृपया करके थोड़ा आराम करने दो। वहाँ की जगह भी खाली हो जाएगी, हम लोग चल देंगे किसी दूसरे रूम में, ना कंप्लीट। इस तरह से अब बिल्कुल आसानी से यूज करिए सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे नंबर थ्री में अब, प्लीज रिपीट। क्या है? प्लीज रिपीट, कृपया थोड़ा दोहरा दो। मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हुए टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे सेंटेंस टीचर बोले सी इज गोइंग टू मार्केट, तो जो बंदा आगे पढ़ रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे, जो बंदा पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो मान लीजिए ऐसे कभी होता है कि स्टूडेंट टीचर को बात सुन नहीं पाता है, तो क्या बोलता है? प्लीज रिपीट सर, बोलता है ना, प्लीज रिपीट सर। ठीक उसी का क्या है? प्लीज रिपीट, कृपया कृपया थोड़ा दोहरा दो कंप्लीट। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बस इसको आप फॉलो करिए, जिस तरह से हम बताते जाते हैं आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए नंबर फोर में क्या है? नंबर फोर में क्या है? पार्डन, मतलब इसका होता है माफ करना, है ना, किसी को माफ करना कंप्लीट। चलिए अभी क्या है नंबर फाइव में है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ कर दो कंप्लीट। जैसे मैं कोई फ्रेंड है, दो लोग हैं, दोनों फ्रेंड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम और आप, ठीक है, मान लीजिए कि आपसे हम गलती करते हैं, आपसे आपसे कोई गलती हो गया, ठीक है, तो आपसे कोई गलती है, उधर से हमारे आपको हम बोलने लगे, तो आप क्या बोल सकते हैं? प्लीज फॉरगिव मी,
कृपया करके मुझे माफ कर दो, है ना, कि ऐसे गलती अब से नहीं होगा। इस तरह से मतलब सेंटेंस को हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम उस पर क्षमा मांगेंगे, ये करेंगे, ठीक है। चलिए आप बिल्कुल आसानी से सेंटेंस बन सेंटेंस बोल सकते हैं। हिंदी सेंटेंस इसका हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस हिंदी सेंटेंस है और इंग्लिश सेंटेंस है कंप्लीट। इसको आप पे अभी तुरंत नोट कीजिए और कॉपी और कलम निकालिए या स्क्रीनशॉट कीजिए कंप्लीट और इसको याद कीजिए। जब तक याद नहीं करेंगे ना, याद करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा याद करना। जैसे मैं पढ़ना है प्लीज वेट ए बिट, क्या है प्लीज वेट ए बिट, बस पढ़ जाना है। और उसको क्या बोलना है, कृपया थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ना कृपया थोड़ा इंतजार कर लीजिए कंप्लीट। इस तरह से आप इंग्लिश बहुत अच्छे बोल सकते हैं, आपको अंग्रेजी बहुत झकास हो जाएगा। बस आप इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फ्रेज, बोल चाल के वाक्यांश कंप्लीट। अब इसमें क्या है, आप इसमें हम पढ़ाए क्या है, रिक्वेस्ट। क्या पढ़ा है, रिक्वेस्ट, मतलब इसके क्या होता है, निवेदन होता है, ठीक है। पहले इसको आप याद करिए, ओके आगे हम बढ़ते हैं।